नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर कहानी कहीं ना कहीं शुरू होती है, लेकिन ये इस कहानी की शुरुआत नहीं है। हाँ, इस दिन की शुरुआत तो जरूर है। रोज की तरह डैड गुस्से में थे। आधे घंटे से तैयार होकर इंतजार कर रहा हूँ। नमा तैयार है ना बेटा? लो, तुम तो आ गई। और वो रेडी हुआ भी है या अभी तक अमेरिकी टाइम पे ही चल रहा है? ओफो, आप भी ना, महीने हो गए उसे लौटे। अब तो आप अमेरिका का ताना छोड़ दीजिए। अब आपकी बात रखे, वो लौट आया है ना? अरे दीपक के लिए गिफ्ट रैप कर रहा है, आ रहा होगा। अभय, कभी कभी दो कहानियां जुड़ जाती हैं और एक नई कहानी बनती है, और कभी एक ही कहानी में कई छोटी छोटी कहानियां छुपी होती हैं। लेकिन बड़ी हो या छोटी, हर कहानी में कई छोटे छोटे मोड़, पल और मायने होते हैं, और इन्हीं से हर कहानी जुड़ती है, मुड़ती है, बनती है और बढ़ती है। चलिए, ये क्या है? दीपक का प्रेजेंट डैड। डब्बे के अंदर डब्बा, के अंदर एक और डब्बा। इट्स अ जोक। शगुन का लिफाफा तो ले लिया है ना? अरे रीति रिवाज भी कुछ होते हैं, जब देखो मजाक। वो भी है डैड, थोड़ा रिवाज थोड़ा मजाक, इट्स मोर इंटरेस्टिंग, डोंट यू थिंक मॉम? बिल्कुल, देखा। अच्छा अच्छा, चलो अब देर हो रही है, कम ऑन लेट्स गो। चलिए कम ऑन। रितिका, हो किसने ये Sorry, देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है। फिर किसने बांधी ये डोरी, हाय कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। अरे देखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आन चढ़ी। जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी, और कागज जैसी गोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो कैसी कैसी राम मिलाए जोड़ी। अरे देखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा ना सोचा ना मांगा, झोली में आन चढ़ी। नहीं हुर होती, हल्का सा तो नूर होती, चाहे चिराहों की वो रोशनी हो या हो वो सितारा कोई। हो किसने ये बांधी डोरी, हो किसने
ना तो ढूंढा है ना तो पाया है ना तो खोया था ना बुलाया है फिर किसने बांधी ये डोरी हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी 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 मैं तो थक गई शादी करके ये जरी ये सोना 5 घंटे से और ऊपर से ये घूंघट घूंघट तो एक झमेला है यार ना शक्ल देख सकते हैं ना दिखा सकते हैं जिसे शक्ल दिखानी थी वो तो तुझसे भी ज्यादा शर्मिला निकला आंखें नहीं उठाई पर तूने देखा उसे थोड़ा सा थैंक गॉड उसकी मुझे नहीं अभी तक तो इतनी ही इन्फो बहुत है अनबिलीवेबल 20वीं सदी में सॉरी 21वीं सदी में भी बिना देखे जाने शादियां हो रही हैं। खाने पीने को कुछ भेजूं अमृता बहुत थक गई होगी ना बच्चा मामा बहुत थक गई हूँ बस आराम करना चाहती हूँ कुछ तो पी ले बेटा चाय कॉफी कुछ ठंडा भिजवा दी जानती क्या भिजवाऊं बेटा पेप्सी कोक या शरबत भिजवा दूं आंटी एक बात बताइए जरा सी प्यास के लिए तो सब पूछ लिया आपने चाय कॉफी पेप्सी कोक पूरी चॉइस है लेकिन एक लाइफ पार्टनर के लिए कोई चॉइस नहीं दी वो बिना पूछे ही डिसाइड कर दिया और शादी भी हो गई क्या करते बेटा कुंडलियां मिल गई ना ये तो सब संजोग की बात है और बीच में दिन ही कितने बचे थे एक हफ्ते में हमने इसका पासपोर्ट रेडी करवाया है हाँ तो फिर आपने लड़की में देखा क्या सिर्फ ग्रीन कार्ड इस तरह शादी करने कोई आता है तू तो बस ऑपरेशन मैरिज पर आया है अमेरिका से मुझे एक इंडियन लड़की चाहिए बस अबे गधे लड़की है फास्ट फूड नहीं जो कोई भी cheers, cheers. Yes. अब शादी हो गई ना आगे भगवान देखेगा वो क्या देखेगा बेवकूफी तेरी और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी करेक्ट यार मैं ऊपर दीपक को लेक्चर दे रहा था विद नो क्लू कि नीचे बैठे मेरे माँ और डैड मेरी कुंडली का हिसाब देख रहे थे बन के गया था बाराती खुद की शहनाई बच गई रितिका खन्ना सोशियोलॉजी में उसने एमए किया था और कस्टमर सर्विसेज की नौकरी में अभी 6 महीने ही हुए थे कि पर मैंने देखा भी नहीं मिली भी नहीं उसे ऐसे कैसे शादी कर लूं मैं एक अजनबी से तो क्या मैंने देखा था तेरे पापा को वो जमाने और थे वहाँ तो अब कौन सी आग लग गई है जमाने को हम क्या बेवकूफ थे या तेरे अच्छे बुरे की पहचान नहीं है हमें मैं ये नहीं कह रही हूँ माँ लेकिन ऐसे कैसे उसे शादी कर लूं जिसे आप लोगों ने देखा और कहा तो था तुमने कि तुमने उसे देखा था झट से ये भी याद किया था कि उसने सफेद दुपट्टा पहना था हाँ माँ कहा था लेकिन हर कोई जो नजर आता है उसे शादी तो नहीं कर लेते ना फिर वही बात क्या ये काफी नहीं कि तुम्हारे भाई ने वहाँ अमेरिका में उस गोरी से शादी कर लिया और हमें खबर तक नहीं की बस 2-4 फोटो देकर हमें खबर कर दी और फिर उसी तरह चुपचाप उसे डाइवोर्स भी कर दिया जी लेकिन क्या लेकिन अरे उस वक्त तो तुमने कहा था कि तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे हमारी पसंद से और हमारी इजाजत से ही शादी करोगे कहा था ना या सिर्फ फुसलाया था हमें ओहो आपने तो हमारे बेटे पर हमला ही बोल दिया अरे पूछो उससे उसी ने कहा था ना ठीक है ना उसी का फाइन देने तो वापस आया था हाँ डैड मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैं ऐसे अचानक जिन लोगों की शादी हो रही है उनके बीच जान पहचान जरूरी है या कितनी बार मिलने से जान जाओगे उसे तुम 2-3-4 साथ घूम फिरने से भी क्या जान पहचान होती है जी आधे के तो तलाक हो जाते हैं इसीलिए तो शादी के मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए एमए तक पढ़ाया नौकरी भी लग गई अब और किस बात की देर है तो क्या पढ़ाई और नौकरी शादी की तैयारियों का हिस्सा है बल्कि सबके बाद तो कैसे कोई किसी से बिना देखे शादी तो जाओ मिल लो देख लो जाओ आईटेक में मार्केटिंग हेड है अबे ससदेवा नंबर चाहिए तो मेरे कोट की जेब में उसका कार्ड पड़ा है जाओ और अकेली मत जाना बुआ को लेके जाना साथ में ये सहरे और घूंघट के बीच में तो कुछ नजर आता ही नहीं ऊपर से ये धुआं तो सहरे के बजाय सनग्लासेस ही पहना देते और ये पंडित तो इतना बोलता है कि जैसे इसकी बुआ मैं तो जाऊंगी नहीं अंदर बाहर ही बैठी रहूंगी टैक्सी में मेरा कुर्ता ठीक है और मैं बाल भी नहीं बनाया मैंने
जी, मैं तो कब से सोच रही थी एक दूसरे से मिलना कैसे होगा। चलो इस बहाने कम से कम आज मुलाकात का बहाना तो मिला। क्या है कि वो असल में एक दूसरे को थोड़ा सा जानना पहचानना सर अच्छी बातचीत वो बहुत जरूरी है ना। वो कॉलेज में एक महीने की छुट्टियां थी ना, इसलिए मैं भाई साहब के यहाँ चली आई। वैसे मैं रहती इंदौर में हूँ। अब 3 कॉफी। ओके मैम। मुझे मालूम है आप क्या सोच रहे हैं। यही ना कि मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ। कोई बात नहीं, अक्सर लोग यही गलती किया करते हैं। वैसे मैं कॉलेज में साहित्य पढ़ाती हूँ। प्रोफेसर हूँ मैं। वैसे आजकल के जमाने में जहाँ पे ये रीमिक्स वीमिक्स चल रहा है वहाँ पे साहित्य की क्या कदर लोगों को, है ना। वैसे आपका क्या मेजर था? आई स्टडी मार्केटिंग। राइट राइट। अच्छा ही हुआ आपने। एक्चुअली मैं मिलने इनसे आया था। बुआ, नॉट रियली माय टाइप। अब बिन बातचीत की मुलाकात को क्या कहें, मुंह दिखाई। वैसे डैड को इतनी दाद तो देनी ही पड़ेगी, देखने में तो अच्छी है। अब आप अपना दायां हाथ आगे कीजिए। अब कन्या का हाथ वर के हाथ में दीजिए। अब आप मेरे साथ बोलेंगे श्री सूर्याय नमः, मानवाय नमः। चलो कुछ तो बातचीत हुई। चलो जी, आज आपकी गाड़ी का असली टेस्ट। पहले मेरा इंट्रोडक्शन तो करा दे। अभी तो मेरा अपना इंट्रोडक्शन ही ठीक से नहीं हुआ, आपका कैसे करा। ओके ओके ओके। भाभी ये भाई के जीजा हैं और मेरे यूरो रोहित हैं। भाई और माँ को तो आप जानती हैं और ये हमारी कानपुर वाली मामी जी। ओके। ये तुम हमेशा मुझे करुणा मामी की जगह कानपुर वाली मामी क्यों कहती हो? ये करुणा मामी जी हैं। हाय। और मैं नंदनी। और कोई रहता नहीं क्या? हाँ हाँ, वो सामने वाला मेमोरियल चौक रह गया है। जीते रहो। अच्छा पापा, खुश रहो। अरे इतनी जल्दी क्या साले, गले भी नहीं मिलोगे क्या? देख भाई, रात भर तुम्हें मेरी कंपनी मिली है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। ये रीत तो मुझे भी झेलनी पड़ी थी। कम ऑन जी। अच्छा देख, अब तू इतनी दूर जा रहा है हनीमून पर ऊटी में, वहाँ पे तुम्हें सिर्फ भाभी की कंपनी मिलेगी। हाँ। अच्छा सुनो, भाई से कोई भी शिकायत हो ना तो फौरन मुझे फोन करना। ओके बाय बाय। कम क्यों साले, बस पे जस्ट मैरिड का बोर्ड लगवा दूं क्या? बाय बाय। टेक केयर। बाय बाय। सी यू। बाय। अरे अबे बेटा। ओ पापा। लो नीतू। अच्छा हुआ तुम लोग मिल गए। ये हॉट केस है, रास्ते में भूख लगेगी। अरे आपने इसकी तकलीफ क्यों की है? बेटा इसकी माँ ने भेजा है, लो ले लीजिए पापा, खा लेंगे। बस टाइम पे? जी अब 10-15 मिनट में निकलनी चाहिए। अच्छा जी, जी हम चलते हैं। ओके। बस सी ऑफ करने आए थे। ओके, और आप रितु की फिक्र मत कीजिए, ऊटी पहुँचते आपको फोन करेंगे। बाय। आपकी बुआ नहीं आई? ये पहली सुबह है जब डैड गुस्से में नहीं, सभी घर वाले खुश। हर कहानी की शुरुआत में अक्सर ऐसा ही होता है। क्या तकलीफ होती है अगर मैं न्यूज़ पढ़ूं तो? अरे 40 साल से देख रहे हैं, एक बार पढ़ रहे हो, पढ़कर क्या कर लिया तुमने? अजीब सवाल करती हो तुम, अखबार पढ़ के क्या करता है आदमी? गद्दी में डाल देता। और क्या करता? 1.5 रुपया रोज का, 40 साल हो गए जमा करते, तो सोचो कितने लाख होते अब तक। तो मैंने कमाए थे ना, तुमसे तो नहीं मांगे थे?
बच्चों की शादियां रद्दी बेच के की है मैंने, बात कर दी है। ये लो अपने चश्मे, 2 मिनट चश्मा क्या दे दिया, जान खा गई। तो अपना क्यों तोड़ा था फिर? तोड़े नहीं थे मैंने, शीशा निकल गया था, उठी जाके लगवा लूंगा मैं। फोटो देख देख तंग आ गए हम इतनी देर से। तुम आराम से हो ना? नींद नहीं आई तुम्हें? नहीं तो मुझे बात याद आ रही है, रात भर टेंशन में था। टेंशन किस बात का? हनीमून का और क्या, ऐसी वैसी कोई हॉलिडे थोड़ी है, हनीमून है हमारा पहला। सब कॉफी? वहाँ आंटी जी, टॉयलेट कैसी है? क्या मतलब? मतलब टॉयलेट कैसा है, साफ है या नहीं? मतलब तुम वहाँ नहीं जा सकते, लेडीज के लिए। जी मैम, उन्हीं के लिए पूछ रहा हूँ। अब जैसा भी है, जाना तो वहीं पड़ेगा। हाँ। भूख नहीं लगी, कुछ खाएंगे आप? क्या है? पराठे है ना, माँ ने भेजे हैं। ओ, उसमें खट्टा होगा या आमचूर पड़ता है? ओके दे दो। हम कह रहे हैं चले जाओ बाथरूम हो आओ, ऊपर से 2-2 गिलास रस के पी रहे, फिर रास्ते में बस रुकवाओगे तो ब्रेक तुम लगाओगी क्या? क्या आप ठीक है? देखा है क्या? खट्टा, खट्टा से मुझे हिचकिया, आमचूर। चलना फिरना होगा और चलने वाली छड़ी तो तुम साथ लाई। छड़ी की नौबत नहीं आई भी हमारी, बहू ने इतने शौक से सैंडल ला कर दी, पहनते कैसे नहीं? अरे रहने दो, शौक खुद का और नाम बहुओं का। चलो। ताजमहल लॉज में आपका स्वागत है। शोभा आंटी और चतुर्वेदी अंकल एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं अपने यूनिक स्टाइल में। थैंक यू, वेलकम सर। अरे, ये क्या बात है भाई, ऐसे कैसे बगैर पूछे एक ही ड्रिंक थमा दिया? ऐसी ही रीत है, याद नहीं मंजू की शादी में दोनों दूल्हा दुल्हन एक ही प्लेट से। वाह वाह, यानी इस उम्र में भी हम दोनों इन्हें दूल्हा दुल्हन नजर आते। सॉरी। थैंक यू सर। थैंक यू।
Can I help? नहीं तो यू आर राइट जी, वो हनीमून का डेकोरेशन करना है। May each night be as sweet as honey and as romantic as the full moon. इन्होंने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। माँ से कहा था पहुंचते ही फोन करूंगी। यहीं से कर लो ना। यहाँ सेलफोन का नेटवर्क वीक है और वहाँ अंदर लिखा है कि ट्रंक कॉल्स रिसेप्शन से कीजिए, तो मैं करके आती हूँ। ओके। अरे जब इतनी देर हो गई मैं खुद ही तुम्हें चलाया। माँ से बात हुई? नहीं, लाइंस बिजी थे, लगा ही नहीं। बाद में ट्राई करते। साहब कुछ लेके आओ। नो थैंक्स। ओके साहब। तो अब क्या करना है आप बताइए। आई डोंट नो, मेरा पहला हनीमून है। हनीमून से लोग क्या करते हैं? आई डोंट नो, घूमते फिरते हैं, थोड़ी बहुत साइट सीइंग करते हैं, शॉपिंग करते हैं आई गेस। मैंने तो सुना था कि मोस्टली कमरे में ही रहते हैं, इसलिए ये स्पेशल हनीमून स्वीट्स होते हैं। आई एम जोकिंग। चलो बाहर एक चक्कर लगा कर आते हैं। आई हैवंट बीन हियर सिंस कॉलेज। अब तक तो काफी बदल गया होगा। तुम्हारा पैर का क्या साइज है? सैंडल्स का बैग मुझे दे दीजिए। और मेरे जूतों का बैग? वो भी दे दीजिए। इट्स ओके, मैं दोनों ही उठा लूंगा। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। प्लीज, आई कैरी इट, मुझे दे दीजिए। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। अरे आप तो वहाँ ताजमहल लॉज में ठहरे हुए ना, आज हमने रिसेप्शन देखा था ना सुबह। हाँ। हम भी वहीं ठहरे हैं। जी हाँ, आज ही पहुँचे। आई एम शोएब, शोएब मिर्ज़ा। अभय सचदेवा। हाय, देयर इज माय बेटर हाफ, आई मीन बेटर हाफ अनाया। हाय। हेलो। हाय रितिका। इज दैट योर बेटर हाफ? बेटर हाफ।
एक्चुअली हम लोग वापस आ रहे थे, टैक्सी स्टैंड है यहाँ पे, आपको लिफ्ट दे दें। अरे जनाब अभी तो उन जूतों का इनॉग्रेशन चल रहा है। जमीन पे या किसी के सर पे? ये तो यही डिसाइड करेंगे। शोहेब और अनाया भी अपने हनीमून पे हैं। कम से कम अनाया तो हनीमून पर है, शोहेब अभी भी एडजस्ट कर रहा है। देखिए, लुक एट दैट व्यू, ब्यूटीफुल है। कम क्लोजर ना। ऐसे माहौल में जायज भी तो है ना? God, कुछ भी बोलता है। ऋषभ और ये है अनु। And you guys are on your honeymoon, right? Yeah, I'm Abhen. This is my wife, Ritika. Hi. Hi. I love your melody. Thanks. वैसे हम लोग भी अपने हनीमून पर हैं। तीसरे हैं, एक दूसरे के साथ ही। निशा, इनका मतलब ये है कि ये हमारा तीसरा हॉलिडे है एक साथ। ओके। क्या? माँ से बात नहीं हुई? या मैं अपना सेलफोन कमरे में छोड़ा है। इट्स ओके, वी विल गो। Anyway, it was nice meeting you. Take care. Same here. Take care. Bye. 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 Have fun. अनु और ऋषभ को देख के सारी क्लासिक लव स्टोरीज याद आती हैं। रोमियो एंड जूलियट, लैला मजनू, हीर रांझा, दे ट्रूली मेड फॉर ईच अदर। मम्मी का फोन आया था, तुम्हारी मम्मी का, जब हम बाहर गए थे। ये था मैसेज रिसेप्शन पर। हे। हाय। थैंक्स। आई जस्ट गेट अ ड्रिंक। ओके। यू विल बी फाइन, राइट? लगा लिया। या डोंट वरी। कह रही थी। हाय। आपके हस्बैंड अपने लिए ड्रिंक लाने गए। मैं भी जरा देख कर आता हूँ। आप पीते हैं? ज्यादा नहीं है, रोज भी नहीं। अरेंज मैरिज? अरे जनाब अभे, बहुत अच्छा किया आप आगे रहने के लिए। एक मिनट इसको पकड़ लो। मैं सोच रहा था एक ड्रिंक ले लें। खाने में मिर्च बहुत ज्यादा है। उस पुश्तैनी शेफ से कहना पड़ेगा कि अब सिर्फ तुम्हारे लिए तो वो मिर्ची कम करने से रहे। नाक भी बह रही, फिर भी चुन चुन कर सारे मसालेदार आइटम परोस कर लाया और खा भी रहे। लो, पोंछ लो। लो। तुम खाना खाओ ना। हमारा हो गया। अच्छा है ना? थैंक गॉड तुम वेजिटेरियन नहीं हो, वरना मेरा खाना तो फीका ही पड़ जाता। मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ, लेकिन सिर्फ ट्यूसडेज और थर्सडेज को नहीं खाती। ओके। आज थर्सडे है। रिलैक्स, पानी पी लो। मैं क्या हुआ, खा लिया? वो 10 बजे ना मेरा सीरियल शुरू होने वाला है, देख लूं? चल। मिस्टर, यस, ड्रिंक लेकर मेरे पास आने वाले थे, राइट? तुम आ गई ना? सेम थिंग, लाइक ऑलवेज। या चलो। अच्छा, बाय।
दीदी ने तुम्हारे लिए प्रेजेंट भेजा है। आइए। ओह, एक्सक्यूज मी। दी, स्पीक ऑफ द डेविल, अभी तुम्हारी बात कर रहा था। तुम्हारा गिफ्ट तभी दिया रितिका को। हाय, इट्स सो लवली, नो। ओपनिंग बैट्समैन ने रन्स बनाए कि नहीं? कम ऑन जीज, कम ऑन, टेल मी ना। अभी नहीं। ओए लल्लू, ये लिमिटेड ओवर्स का क्रिकेट है, याद रखियो। पीवी ने ओपनिंग रन्स बनाए। या चल हिम दीदी। बाय बाय बाय, सी यू सून। हां, अच्छा रितिका को बहुत प्यार देना, मम्मी पापा की तरफ से भी। यप दी, रितिका के घर से फोन कर देना, कह देना कि हम ठीक ठाक पहुंच गए, उन्हें फिक्र होगी। हाय हाय, अपनी खैरियत तो कभी नहीं सुनाई तुमने। बाय जोरू का गुलाम। क्या दिया दी ने? क्या बताओ मुझे? ये उसके बोल्ड और ब्यूटीफुल का असर है। तुम्हारे पास अपना नाइटगाउन है? नहीं तो मेरा कोई टी शर्ट और पजामा पहन लो, फिर कल एक और शॉपिंग का चक्कर लगाएंगे। मेरे पास है। ओके। लेफ्ट या राइट? कोई भी, आप डिसाइड कीजिए। कोई भी, आप डिसाइड कीजिए। गुड लक। नाइस। It's okay. Relax.
रितु गुड मॉर्निंग। जरा टॉवल देना प्लीज। थैंक यू। हे हाय। हाय। हाउ आर यू डूइंग? गुड। हैव अ ग्रेट डे। यू टू। ऋषभ उठो। अनु इधर आओ ना यार, क्या सुबह सुबह तुम मेट्रन की तरह तैयार होने लगी हो? मैं वहां पर नहीं आ रही हूँ और तुम भी और नहीं सोगे। कम ऑन उठो और तैयार हो जाओ, हमें घूमने जाना है। स्टॉप यू लेजी बम। जान इधर तो आओ, मैं तुम्हें सैर कराता हूँ। आओ तो सही, कम ऑन। नो थैंक यू, मिस्टर कृष्णा ने जो टूर ऑर्गेनाइज किया है ना, मुझे वो देखना है। कम ऑन गेट अप। कोई बोट क्लब है जहाँ हम सबको लेके जाने का इंतजाम किया है कृष्णन ने? हाँ, यहाँ तो वो लेक भी बहुत मशहूर है ना। हाँ वो तो जरूर देखना है। अब है वो कल रात मेरी नींद टूट गई और मैं सोफे पे आके टीवी देखने लगी और पता नहीं कब वहां सो गई मैं। नींद टूट गई थी तो मुझे जगा दिया होता, वी कुड हैव चैटेड। मैंने भी सुबह उठकर तुम्हें सोफे पे सोए हुए देखा, गहरी नींद में थी तुम, इसलिए मैंने भी तुम्हें जगाया। चलो तब तो हिसाब बराबर हुआ। मैडम नाश्ता। पेपर डोसा, बेक बीन्स ऑन टोस्ट, फ्राइड एग्स, कमाल है, तुमने तो एक से एक मेरी फेवरेट डिशेस ऑर्डर करी। अरे जॉली तू यहाँ है, हमने पूरा होटल छान मारा तेरे लिए। गुड मॉर्निंग शोभा, शोभा चतुर्वेदी। वो क्या है ना कि हमारे फिलश की टांकी ओवरफ्लो हो रही है, इसीलिए जरा ठीक करवा देना जॉली। सॉरी। इट्स ओके। ओके साहब, सब तैयार, नाश्ता भी कर लिया और नीचे भी पहुंच जाएंगे, तुम्हारा यो खत्म नहीं होगा। अरे प्लंबर भी तो ही, जरा देख ले, सारी रात पानी टपक रहा था और इनके खर्राटों के साथ जो जुगलबंदी चली है बूंदों की, सारी रात की नींद हराम हो गई हमारी। बस एक वाशर बदलना है, सामान लेके आता, अभी ठीक कर देता हूँ। ठीक है चल, जितनी देर में नहा लेता हूँ। सुनो मैं जाकर नहा लेता हूँ, वरना कहोगी मेरी वजह से देर। Not getting through? I'm only half Indian, but even I know that trains and buses don't exactly follow their times. But you have to follow that Bible of yours. If we'd just taken a taxi, like I suggested, we would have been here ages ago. Our lady here has a footnote. It says, please confirm actual timings before planning itinerary. I told you so. Lonely planet, very accurate. And you need a lonely planet to visit your own country. Alibaba, I haven't been back here in the last 7 years. Would you stop using that word Alibaba with me? No, I'll try. Hello, ma'am. Hi. All the lines are busy. Have a good stay. Thank you. Hi. Thank you. We're neighbors. I just saw your key. Hi, Sarah. How are you doing? Abhay. Hi, Ritika. And Oh, hi. I'm AK Arjun Kohli. Abhay Sachdev. Okay. That's Ritika, my wife. Ritika. AK and Sara are here on vacation. But Sara is the tourist and AK the guide. Guys, this is Arjun Kohli, AK. Yes, AK. And that's his wife Sara. Hello. Hi. Hi. Hi everybody. Good morning. You know the lodge has arranged a really nice trip at the boat club. You'll really like it. Oh, great. Oh, but we're going to be late. Thanks to Mr. Lonely Planet over here. I'd like to just change and freshen up a little bit. No, don't worry. We're still waiting for the senior citizens. Okay. Every Indian bride has a husband. In that ending. And he has to find it. Oh wow! And it's there. That's so wonderful. So has he got it yet?
क्या नहीं मिला मुझे? कुछ नहीं, बस ऐसे। अरे सफल, देखो सफल की गिला है। गिर जाएंगे ताला। सफल, शाबाश। हाँ, या या पावर। इसे पकड़ो। हे भाई, लो भाई, लो। कुछ नहीं, जरा सी सांस फूल गई है, ठीक हो जाएगी। लो पानी। तुम रखो, तुम्हें ज्यादा प्यास लगती। अरे भाई आगे और मिल जाएगा, एक दो घूंट पी लो। उधग मंडलम, उधग मंडलम, भैया ऊटी बहुत सिंपल है, ऊटी अच्छा। एक्सक्यूज मी सर। क्या हुआ आंटी, सब ठीक तो है ना? मैं कुछ करूं? नहीं नहीं बेटा, कुछ नहीं हुआ। क्या कुछ नहीं हुआ, बड़े शौक से हमें साबुनदानी में बिठा कर ले गए, मोटर बोट में नहीं ले जा सकते थे? सांस ऊपर नीचे हो गई हमारी। बेटे उम्र का तकाजा है, थोड़ी सांस फूल गई है। ओके, 10 मिनट बैठ के सांस बटोर ले, फिर चले चलेंगे। तुम चलो बेटा। श्योर आंटी? हाँ बेटा। अरे भाई कहाँ, ये कैसे उतारते हैं? ओ भाई लगे रहो। वो मैं ऑफिस में, यू नो। हाँ मालूम है। अगर तुम गलती से थर्सडे को नॉनवेज खा लो तो फ्राइडे को किस भगवान से माफी मांगो? लापरवाही से हमेशा अकेले छोड़ देता है ना उसे। अनाया? अनाया बहुत गलत बात है, जिस पे बीती है वही जानते हैं कि रात तारे गिन गिन कर कैसे काटते हैं। मजाक कर रहा हूं। Excuse me. हम अपने अपने टेबल्स को लाइन ऑफ कंट्रोल बनाकर क्यों बैठे? जब सुबह से साथ घूम रहे हैं तो खाने का मजा भी साथ लें। Come on, let's all sit together. चलो आओ, आ जाओ। Come on, अनाया। आइए अब यहाँ जाइए। Please. चलिए। यहाँ बैठ जाओ। ये ठीक है। Oh, thank you. Where's AK? Probably at a bookstore somewhere, trying to load up some crossword puzzles. Whenever he's not at work, he's doing these crosswords. He's almost obsessed with it. Either way, he's on his own. ये एक शिकायत है जो तुम्हें मुझसे कभी नहीं होगी। जब मैं ऑफिस से निकलता हूँ काम वाम सब भुला देता हूँ। लेकिन ऋषभ तो ऑफिस में होते हुए भी कामकाज भूल जाता है, राइट? इसमें मेरा नहीं तुम्हारा कसूर है। या? होता है, होता है। वाह भाई वाह। हे। ओ, आ गया आप। कोई एसटीडी बूथ नजर आया पास में? जी, देयर इज। हमें एक फोन करना था। हाँ वो नई नई शादी हुई है ना, माइकी की याद आ रही है। बच्चों से बात करनी थी। हाँ बच्चों से या बच्चों के बच्चों से? अरे अब बच्चों को फुर्सत ही कहाँ है, बच्चों के बच्चों से ही दो मीठी बातें कर लेंगे हम। लो भाई हम मर गए हैं क्या? कमाल की बात करती है। तो ठीक है ना, सॉस पास करना प्लीज। सॉस पकड़ाना भाईजान। क्या बात है भाई। बचपन से सुनती आई है ना, मतलब सभी भाईजान ही बुलाते थे। मियां बुलाने की प्रैक्टिस अभी हुई नहीं। प्रैक्टिस तो हर शादी में लगती है बेटा,
बचपन से पहचान हो तो भी, और दोनों अनजान हो तब भी। ये कुर्ती कैसी है? अच्छा बात सुनो अनु, एक और ऐसा कुर्ता ले लो, एक सच बोल। What do you think? अम्मा चलो यार, क्या कर रहे हो? रात हो गई है, भूख बहुत लगी है। चलो चलो लॉज चलते हैं, होगी शॉपिंग और क्या। शोएब मियां, या तो तुम खा रहे होते हो या सिगरेट पीते रहते हो। आपकी बिटर हाफ है यहाँ, बचपन में उनसे दूर भागना ठीक था, अब वो आपकी बेगम है, जरा संभाल के रखिए उन्हें। चलें। आज हमारे एरिया का सबसे स्पेशल आइटम बनाया है गफूर भाई ने, और परसों रिस्पेक्टेड मिस्टर एंड मिसेस चतुर्वेदी की 40th वेडिंग एनिवर्सरी के ओकेजन पर खाने के साथ साथ हमने एक शानदार बॉनफायर का अरेंजमेंट भी किया है। क्या बात है, बच्चों ने बताया होगा इन्हें। आए हाय, बरसों बीत गए लेकिन दुल्हन की हदाएं नहीं गई हैं। 40 years is a really long time and I wish you guys many more years of togetherness. Thank you. आप दुआएं दे रही हैं या दुहाई दे रही हैं? ओके, अब शमा आपके सामने, अब अपनी रास्ता बयां कीजिए। आप दोनों मिले कैसे? हाँ बताइए ना। मिले भाई, हम तो शादी के दिन ही मिले। इंटरेस्टिंग। हाँ, इससे पहले हमारे माँ बाप और रिश्तेदार मिल चुके थे। अगर मिले होते तो हम तो मनाई कर दिए होते। आज क्या कर दिया भाई, हम तो अपनी दुल्हन को बहुत पहले से जानते हैं, जब मैं हाफ पैंट में घूमा करता था और ये फ्रॉक पहन के घूमा करता। ये मेरी बचपन की सहेली राहिला के भाई हैं, और बस इन्हीं की गुड़ियों की शादी को देखते देखते हमारा निकाह भी हो ही गया। हुआ नहीं, मैंने और राहिला ने क्या क्या साजिश करके करवाया। चलो ठीक है, वरना तो मैं आपकी नजर में अब भी फ्रॉक में होती। अनु, तुम्हारी नजर ऋषभ से कैसे मिली बताओ? हमने तुमको देखा, तुमने हमको देखा, ऐसे दिल की बात थी तो दिमाग बंद करके सिर्फ दिल की बात सुनी, और बाकी सब बाद में दिखाई देने लगा। Anyway, Sarah, what about you and AK? Well, we've been together now for 9 years and we moved in 4 years ago? 4 years ago, yeah. I see. No marriage? मैंने प्रपोज तो किया था, but she opposed. To be honest, our togetherness was all that really mattered and marriage just didn't seem important. फूल गुलदस्ते में या फूलदान में ही जुड़कर रह सकते हैं, वरना तो मुट्ठी खुली और सब बिखर गए। रिश्तों के फूलों को बांधने से ही गुलदस्ता बनता है। हाँ, मुझे ही देख लो, गाय की तरह खूंटे से बंधा हुआ नहीं लगता मैं। बट व्हाट अबाउट अभय और नितिका, जो वहाँ पर चुपचाप बैठे हैं? अपनी भी लव स्टोरी तो बताओ। हाँ बताइए भाई। हम बताने को तो कुछ है ही नहीं, स्टोरी शुरू होने से पहले ही हमारी शादी हो गई। तो क्या शादी होने से स्टोरी खत्म हो जाती है? एक्चुअली हमने वो गंगा उल्टी बहाने का फैसला कर लिया, शादी पहले कर ली। और अब प्यार करोगे? खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे ये दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे ये दोनों। पलंग किसने? I really hope you relax now. I know तुम मेरे पास सोते हुए uncomfortable थी। नहीं नहीं वो awkward लग रहा होगा तुम्हें कि मैं कुछ Thank you.
तुम्हारा ऑकवर्ड होना मुझे भी अनकंफर्टेबल कर रहा था। कोई प्रोफेशनल हस्बैंड तो हूं नहीं, मेरी समझ से जो ठीक लग रहा है वही करने की कोशिश कर रहा हूं। रिश्ते ऐसे ही बनते हैं। आज लकड़ी कम भेजी है। कुछ रिश्ते अपनी मर्जी से बनते हैं, कुछ बन जाते हैं, लेकिन उनका ख्याल हमें ही रखना पड़ता है, उन्हें पालना पड़ता है, so that they can grow। ऋतु इस रिश्ते में ना कोई मजबूरी है और ना ही कोई जल्दी, सिंपल सा एक आदमी हूं मैं, अब है नाम है मेरा। जब तक दिल ना माने दोस्त भी हो सकता हूं, रूममेट भी। सोफे के बजाय पलंग पे तो आकर सो गई। वो भी स्लोली बिकमिंग फ्रेंड्स नाउ। यू नो अनु, तुमने मेरे साथ घाटे का सौदा किया है। वो तो मैं जानती हूँ, फिर भी मुझे बताओ कैसे। अब ये जो तुमने फिर से उठ के मेटन वाले काम शुरू कर दिए ना, इसीलिए। अरे इन 5 सेकंड में मैं तुम्हें 10 किसेस दे सकता था। योर लॉस। फजूल का नुकसान हुआ है, एकदम फजूल का। अब तक कम से कम 10-15 फोटोग्राफ्स खींच चुके थे हम लोग, लेकिन अब उस फोटोग्राफर को पैसे देने पड़ेंगे, सारे दिन के मुफ्त। क्या जरूरत थी फोटोग्राफर बुलाने की, वो भी पूरे दिन के लिए? जब मैं कुछ करते नहीं हूँ तो कहती हूँ आप कुछ करते ही नहीं। वैसा नहीं लग रहा, मंगनी नहीं लग रही, शादीशुदा नहीं लग रहे, इसलिए मैंने सोचा कि एक फोटोग्राफर आ जाएगा, 10-15 फोटोग्राफ्स खींच लेगा, ताकि आपका हनीमून लगे। अबे कल रात मैं थोड़ी एम्बैरेस्ड भी हुई और खुश भी। वो जिस तरह आपने मुझे समझ लिया बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। देखो रितिका, मेरी समझ से जो ठीक लगा मैंने वही किया। आफ्टर ऑल हमारे पेरेंट्स के साथ साथ हमारी उम्मीदों का पूरा होना भी जरूरी है ना। क्या कर रही हैं आप, बादल सर पे आ गए, इतनी देर थोड़ा लगा देते। चलो हवा तो चलेगी, अच्छा जल्दी ऐसे, ठीक है? वेरी गुड, कम ऑन अंदर आइए। अब एक ऐसे भी ले लीजिए। वेरी गुड, चलो ठीक है। अरे अभी एक ग्रुप फोटोग्राफी चला दो। हेलो, श्योर, चीज, वेरी नाइस। आप भी अपने हनीमून का एक सुविनियर बनाइए। सच कहता हूँ ये पल आने वाले सालों में बहुत याद रहे, और अपने घर वालों को भी तो आपको दिखाना चाहेंगे ना। आइए सर। जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई, जब भी जरा तुमने छुआ जिंदगी हल्की सी गुदगुदी कर गई। झलकी हुई थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी भर गई।
अब आप अपने बीवी को गोद में उठा लीजिए। क्या? घबराने की कोई बात नहीं है। अरे बड़ा क्लासिक पोज है, हर हिंदी फिल्म में होता है। Let's try. Yeah. ज्यादा खा लिया क्या? अनजान लोगों का मिलना पहले भी होता रहा है, पढ़ के बताओ सितारे ये रिश्ता कहाँ पे लिखा है। अनजान लोगों का मिलना पहले भी होता रहा है, पढ़ के बताओ सितारे ये रिश्ता कहाँ पे लिखा है। मरने लगी थी पहले से मैं थोड़ी सी और भी मर गई, और भी भर गई गुदगुदी कर गई। रेस्टोरेंट में डिनर का प्रोग्राम कैसे बना लिया? बस ऐसे ही, वो लॉज का डाइनिंग हॉल मुझे अपने कॉलेज मेस की याद दिलाने लगा था। तो सोचा कि आज सिर्फ तुम और मैं। अच्छा मुझे कॉन्सेंट्रेट करने दो, आज तो अपना नाम ढूंढ कर ही रहूंगा। got it, right? Yes. Oops, sorry. ये रहा आपका प्राइज। That's a pleasant surprise. अरे ये कब ली? कल मार्केट में आप इसी टाई को देख रहे थे ना। I love it. Thank you. क्या आप उस लॉज की रिसेप्शनिस्ट को जानते हैं? नहीं, एक जमाने में किसी को जानता था जिसे उसकी शक्ल मिलती है। कौन थी? मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरी शादी हो गई। हम कुछ 2 साल साथ थे, साल भर पुरानी बात है। वो तब मुझसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी और उसकी नौकरी उसे कलकत्ता ले गई। बस लगता है मेरी किस्मत में वही लड़कियां लिखी हैं जो मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती थी, बस इतनी जल्दी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर के बाद, आपको थोड़ा जान लेने के बाद। ओके, मेरा नाम है अभय सचदेवा। MBA करने के बाद आईटेक में मार्केटिंग हेड की नौकरी कर रहा हूँ। आई एम अ सैजिटेरियन। 9 दिसंबर को मेरा बर्थडे है, कभी भूलना मत। हाइट 6 feet, वजन 78, वेस्ट 31, 33, और मेरा जूते का साइज है 9.5। और
मंडेज और फ्राइडेज को मैं स्ट्रिक्टली नॉन वेजिटेरियन हूँ। दैट्स इट। अब तो सब कुछ जान गई। नहीं, ये बातें नहीं, दूसरी बातें। वो दूसरी बातें तो सिर्फ किसी के साथ रहने के बाद ही मालूम होती है। तो मैं हाजिर हूं, जान लो मुझे। जी साहब, इधर भी लाइट चली गई। और शायद इसीलिए हनीमून का ये वक्त शादी के बाद होने वाले चेंजेस से एडजस्ट करने में मदद करता है। अब देखो ना, जब हम यहां से लौटेंगे तुम एक बिल्कुल नई जिंदगी में कदम रखोगी। नया घर, नया खानदान। शायद, और शायद ये वक्त उस बिल्कुल नए इंसान को जानने के लिए भी होता है जो अब आपकी जिंदगी में है, खास करके अरेंज्ड मैरिजेस में जैसी हमारी। जरूरी नहीं है। शोहेब और अनाया को देख लो, वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, पर इस वक्त वो अपने इस नए रिश्ते को समझने की कोशिश कर रहे हैं, एडजस्ट कर रहे हैं। जिंदगी उतनी आसान नहीं जितनी फिल्म और टीवी पर दिखाई जाती है, जहां एक पल में सब फिट हो जाता है, हैप्पीली एवर आफ्टर। और अगर ये फिल्म होती तो बाहर बारिश हो रही होती, बिजली चमकती और मैं डर के मारे आपकी बाहों में आ पड़ती और फिर और फिर आग जलती हुई नजर आती। हाँ। क्या हुआ? कॉकरोच। देखा, कॉकरोच भी जानता है कि यहाँ ना बिजली होगी ना बारिश। क्या हुआ? अरे व्हाट आर यू डूइंग? क्या रितु, आई जस्ट, आज सारा दिन तुम वो तो मैंने समझा। सारा दिन क्या? खुल के हंस बोलिया, आपका हाथ पकड़ लिया, इसीलिए का ये मतलब निकाला आपने? मुझे लगा आप मेरे फीलिंग्स को समझ गए होंगे। क्या वो सिर्फ एक ड्रामा था? क्या सेक्स ही सब कुछ है आपके लिए जो आप मेरे साथ इस तरह बदतमीजी करें? बदतमीजी? इतने दिनों से मैं तुम्हारे साथ बदतमीजी कर रहा हूं? हाँ, शायद मैं तुम्हारी फीलिंग्स ठीक से समझ नहीं पाया, लेकिन तुम भी मुझे समझ नहीं पाई। डू यू थिंक इट्स इजी फॉर मी? मैं भी बिल्कुल वही सिचुएशन में फंसा हूं, तुम ही मेरे लिए अजनबी हो, बट आई हैव बीन ट्राइंग। और आज गलती से मुझे लगा कि तुम्हारा दिल मेरी तरफ खुलने लगा है। बताना चाहता था कि मुझे भी तुम पसंद हो। दैट्स ऑल। इट्स नॉट ऑल अबाउट सेक्स, डैम इट, बट दैट यू वोंट अंडरस्टैंड, क्योंकि तुम्हें वो समझ है ही नहीं, ना ही वो फीलिंग्स। और लेट्स जस्ट फॉरगेट द होल थिंग। Yeah.
परफेक्ट है। अच्छा बेटा रख रही हूँ, पापा बुला रहे। ओके बाय। कैसे राम मिला है जोड़ी।
नहीं, दिस इज रितिका। भाभी जी, भाभी जी, दीपक, अमृता सब। हाँ, हाउ आर यू? अबे, अभी अभी बाहर गए हैं। कोई बात नहीं, ऐसे ही फोन किया था। अमृता कैसी है? She's beautiful. यही है। हे रितिका, कैसी हो? अच्छी हूँ। सेम हियर। माय हनीमून वाज फैंटास्टिक। एंड दीपक, ही इज रियली रोमांटिक। लेकिन अगले हफ्ते वो अमेरिका लौट रहा है, इसलिए ये वीकेंड हम फिर निकल पड़े। एक हनीमून खत्म हुआ नहीं कि दूसरा शुरू। दैट्स ग्रेट। क्या बात है रितिका? सब ठीक तो है? आई जस्ट कम। सब ठीक है। शट अप, झूठ मत बोल। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ। सच बता, क्या मांगे? रितिका, क्या हुआ? अमृता, कल रात हमारी अभय और मेरी बहुत बड़ी लड़ाई हो गई। सिंपल किस एंड मेकअप। तू समझ नहीं रही अमृता, हम इतने क्लोज नहीं है। क्लोज नहीं है मतलब? अमृता, कम ऑन। कल रात के बाद तो क्या मैंने कुछ? इट्स नॉट अ बैड, इट्स मी। ये सब मेरे लिए बहुत अजीब है। एक आदमी के साथ अकेले। कम ऑन रितिका। इट्स ऑल माय फॉल्ट। स्टॉप क्राइंग, जस्ट स्टॉप डूइंग। आई ट्राइड, पर वो मेरे से बहुत नाराज है। और यहाँ लॉज में इतने सारे लोग हैं, सबके सामने ना मिल रहा हूँ जब एक्चुअली I don't know what to do, Amrita. I just don't know what to do. चुप कर। कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ है जिसे तुम ठीक ना कर सके। अभय is a nice man. I know. Please stop crying. Smile और अपने बाकी के हनीमून के दिन ठीक कर। बहुत भूख लगी है। और कहते भी हैं, राजा की तरह ब्रेकफास्ट, सिपाही की तरह लंच, और डिनर भिखारी का। बट फर्स्ट आई हैव अ क्वेश्चन। अ मैन वाज क्रीमेटिंग हिज वाइफ। उसने चिता में आग लगाई और उसी वक्त बिजली कड़कने लगी। तो उसने ऊपर देख के क्या कहा? हाय रितिका। क्या? क्या? I don't know. Whatever. लगता है ऊपर पहुंच गए। That's just mean. आज देर कर दी नीचे आने में। रात को ठीक से नींद नहीं आई होगी, इसीलिए लेट हो गई, है ना? हाँ, आज अभय को भी कुछ ज्यादा ही भूख लगी है। क्यों भाई? जी, आज सुबह दूध जल गया था, इसलिए चाय और कॉफी के लिए आज पाउडर का दूध है, तो काइंडली एडजस्ट। हाँ, कर लो बात। जी सॉरी, वेरी वेरी सॉरी। ये सॉरी भी अजीब शब्द है। गलती छोटी हो या बड़ी, बस सॉरी कह दिया और निकल लिया। ये अंग्रेज चले गए, सॉरी छोड़ गए। चतुर्वेदी अंकल, आई लव यू भी अंग्रेजों की ही देन है। तीन छोटे से लव्स बड़ी से बड़ी फीलिंग्स कह देते हैं, है ना? आई लव यू। मी टू। समझी? प्यार जताने के लिए वर्ड जरूरी नहीं होते। अगर मन चाहे तो उनका ही बात भी समझ जाए। अगर मन चाहे। हेलो सर। हेलो। आई होप आपको यहाँ सब कुछ अच्छा लग रहा है। या, सब कुछ बहुत बढ़िया। किसी और चीज की जरूरत हो तो आप प्लीज हमें बताइए। श्योर। रितिका, यहाँ
Thank you. Hi. Listen, it's the Chaturvedi's 40th anniversary, sure. And a whole lot of us are going to go and get them a present. So, do you want to come? Hey, Sara, I have an idea. आज सिर्फ हम गर्ल्स घूमने चलते हैं, या? Let's just leave the men behind. चलो जी, इनका प्लान तो बन गया. हम क्या करें? Let's play some TT or carrom. अबे. Yeah. Okay. अबे. जाऊँ? कल रात पूछा था. Excuse me. Yes sir. आपके यहाँ games या कुछ? Absolutely sir. अब इस सफर में बीच के फासले कैसे तय करें? जहां कहानी मुड़ी वहीं चल पड़े. और आंटी के लिए गॉगल्स, हाँ, जैसे पुरानी फिल्मों में नंदा पहनती थी. आई एम श्योर आंटी अपनी जवानी में बिल्कुल उन्हीं की तरह लगती होंगी. नो 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 नो, वी गोना गेट समथिंग दैट्स रोमांटिक, समथिंग सिंबॉलिक दैट्स लिंक्ड टू देयर रोमांटिक रिलेशनशिप. सबसे रोमांटिक तो ये ऋषभ है, अपने तीसरे हनीमून पे आया हुआ है. यार समझ में नहीं आता ये हनीमून चीज में कौन सी बड़ी बात है. अरे यार फितरत की बात है, अगर दिल चाहे ना तो सारी जिंदगी हनीमून मनाया जा सकता है और उसके लिए किसी लॉज या पैकेज की जरूरत नहीं है, समझे? ये उस कृष्णन का बिजनेस चौपट करके रहेगा. I know, बिल्कुल किसी पीटी रोमांटिक नॉवल की तरह बोल रहा है. All girls grow up reading Mills and Boons. Thinking, imagining a tall, dark, handsome stranger riding in on a white horse. Yeah. मैं भी सपने देखा करती थी, लेकिन मेरे सपनों में कोई tall, dark और handsome stranger नहीं था. It was always Shoaib. Not too tall, not too dark, but handsome. मुझे तो आज तक अनाया राहिला की सहेली लगती है. In fact, कई बार मैंने उसको introduce ही वैसे करवाया. मंगनी के बाद. आज तक याद दिलाती है. That's women for you, buddy. ज़्यादातर भूल जाएंगी कि तुम्हें कुछ याद था. But we'll never let you forget that you forgot. You forgot. Exactly. At least you guys have an advantage. तुम सब तो अपनी बीवियों को अच्छे से जानते हो, समझते हो. मैं तो जैसे अंधेरी में हूँ. क्या बात कर रहे हो यार? तुम और रितिका कितने परफेक्ट लगते हो. Of course, हमारे हीर राजा की तरह नहीं. पर क्या कहते हैं उसको? सुर में. हाँ. ऋषभ के साथ एक और ड्रीम वेकेशन खत्म होने आ रहा है. एटलीस्ट तुम्हारे ड्रीम्स पूरे तो होते हैं. और तुम्हारे सपने? हाँ, व्हाट अबाउट योर ड्रीम मैन? सच हुए कि नहीं? जब भी मेरी फ्रेंड्स मुझसे पूछती तुम यही कहते, मुझे ऐसा आदमी चाहिए जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो, जो मुझे हंसाए, जिसका दिल साफ हो, नरम हो, जो मेरा ख्याल करे और दूसरों का भी. एक अच्छे दिल वाला. हिंदी बुला कहती तब तो पांच अलग आदमी ढूंढने पड़ेंगे. एक ही आदमी में ये सब कुछ होना, ऐसा आदमी तो हो ही नहीं सकता. मिलेगा कहाँ से? लेकिन तुम्हें तो मिल गया. Haven't you just described अब है? और क्या, ये तो बिल्कुल अब है. तुम्हें को फैंटास्टिक कपल. अरे भाई काहे का कांग्रेचुलेशन, यह जाली साथ से जान बची हुई है. चलो जहाँ फंसी सासट की है, दो पाटन की चक्की है, जियन मरन तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है. जहाँ फंसी सासट की है, दो पाटन की चक्की है, जियन मरन तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है. वही निभानी पड़ेगी बाबू अपनी डील तो नक्की है. साथ साथ फेरे घूमे है वो हमारी पक्की है. जहाँ फंसी सासट की है, दो पाटन की चक्की है, जीवन मरण तो लगा रहेगा, बात हमारी पक्की है. लम्हा लम्हा चुना पिरोया, आँख ने सींचा
दिल में बोया, लम्हा लम्हा चुना पिरोया, आंगने सींचा दिल में बोया। बेल के जैसी बढ़ती है धूप है धीरे चढ़ती है, शादी भी पक जाएगी यारो चाह कहीं भी लटकी है। चाह फसी सा सटकी है तो पाटन की चक्की है, चियन मरन तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है। अरे चियन मरन तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है। क्या बात है, रमी के पतले पाने नहीं, दो चोकर थे लगे नहीं। सीढ़ी चढ़ो तो सांप मिलेगा, लूडो का खेल है यूं ही चलेगा। नाकों चने चबाए हैं, दांत में कच्ची मक्की है। मियां के बाल उड़े क्यों भैया, कहीं हूँ मकती हुई चढ़ाने, कहीं फिसलती हुई ढलाने, कहीं हूँ मकती हुई चढ़ाने, फिसलती हुई ढलाने। दो पहियों का ठेला है, 40 बरस ढकेला है। अरे संभल संभल के चलना, मियां टूटने वाली मटकी है। जहाँ फंसी सा सटकी है, दो पाजन की चक्की है, चियन मरन तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है। वही निभानी पड़ेगी यारो अपनी डील तो नक्की है, साथ साथ फेरे घूमे है बात हमारी पक्की है। जहाँ फंसी सा सटकी है, तो पाटन की चक्की है, जियन मरन तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है। जियन मरन तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है। रितिका, मैं जानता हूं तुमने सिर्फ दिखावे के लिए मेरा हाथ पकड़ा था, क्योंकि जैसे ही कोई देखने वाला रहा नहीं तुमने अपना हाथ वापस ले लिया। नहीं मैं, रितिका मैं कोई जीनियस नहीं हूं, लेकिन कल रात के बाद मैं इतना तो समझ ही गया हूं कि तुमने ना हमारी शादी और ना ही मुझे एक्सेप्ट किया है। कम से कम मुझे नुमाइश का पति मत बनाओ प्लीज। जब भी अगर सिर्फ सच्चे दिल से मेरा हाथ पकड़ना, वरना नहीं। इट्स ओके विद मी, और वैसे भी आई डोंट थिंक इस नाटक को ज्यादा देर चलना चाहिए। I guess we could have gone on separate holidays too. I'm glad we're going back tomorrow. Bye. Ritika. Oh. Hey, hi. Good morning, Ritika.
I hope I'm not disturbing you, but I really needed to speak to you about something. I was wondering if you could help me. Yeah, sure. Abhay's sleeping. I'll meet you outside. Oh, okay. No, sure. I understand. So I'll just change and meet you downstairs. Okay. Thank you. Thanks so much. क्या हुआ? क्या चाहिए था सारा को? कह रही थी कुछ बात करनी है, कुछ हेल्प चाहिए उसे। तो अंदर क्यों नहीं बुलाया उसे? मैं सो रहा हूँ, ऐसे क्यों कहा? वो हमारे पलंग इस तरह अलग देखे अच्छा नहीं लगता ना। But it's a fact. ये हमारी हकीकत है, तो छुपाना क्या? पलंग अलग दिख जाने से क्या होता है? जब दिल ही ना मिले हो तो सच्चाई सबको नजर आ ही जाएगी। मैं लॉन में जा रहा हूं, I'll see you later. अमा मिया, कृष्णन भाई, आपकी गाड़ी वाड़ी आ रही है कि ऐसे ही निकल ले पैदल? नहीं कह रहा यार, मेसन जीप हाजिर है आपके सामने। ऑयल और वाटर बिल्कुल परफेक्ट है, आप जब भी चाहें जा सकते हैं। क्या बात है, चलो 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 चलो। अनु श्योर तो मैं नहीं चलना, वाटरफॉल है, मजा आएगा। तो लेडीज, नहीं नहीं डालेंगे, सो कि यू गो, हम बाद में मिलेंगे। तुम जाओ और ज्यादा भीगना मत, वरना नाक बहने लगेगी और कान मुंह तक शुरू शुरू करते रहे। करिए साथ नहीं यारी, वरना आजा खड़ा। अगर इतना होना तो ये पलंग पकड़ ले। चलो भाई चलो, सब आराम से। हनीमून लॉज से वो क्या कहते हैं, बैचलर पार्टी का कारवां निकल रहा है। बहुत से कुछ सालों में तुम्हारा भी यही हाल होने वाला है। हां सालों में ना, अभी बहुत टाइम है। हंस लो बैठे, हंस लो। हमारे जमाने में हम भी लोगों के ठूल रुपयों ही हंसा करते थे। मैंने अंकल, मैं तो आपकी ठाट की बात कर रहा था। कि आपकी जो चाल में जो शान है ना, उसका जवाब नहीं। बाकी सब जानता हूँ, सब जानता हूँ। हंसी मत शोर मियां, वक्त वक्त की बात है। दैट्स राइट यार, कॉलेज के दिनों में तो मैं भी दो दो तीन तीन घंटे वर्कआउट करता था। बट नाउ विद माय काइंड ऑफ जॉब टाइम नहीं मिलता यार, एंड यू बिकम लेजी। यार मेरे तो ऑफिस में जिम भी है, लेकिन फिर भी आजकल एक्सरसाइज में मन ही नहीं लगता कि किसको इम्प्रेस करना है। या यू आर राइट, यू नो आजकल तो सहरा भी मेरी फिजिक की शिकायत नहीं करती। शी इज गेटिंग कूल, अदरवाइज इन द गुड ओल्ड डेज वी यूज्ड टू गो फॉर राउंड्स टुगेदर, डू ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स टुगेदर, बट नाउ फॉरगेट इट। तो फिर मुझे कोई समझाए कि दुनिया शादी और प्यार को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देती है? अगर साथ रहने से दो लोग एक दूसरे के लिए सिर्फ आदत बनकर रह जाए, एक दूसरे पर गौर करना छोड़ दे, क्योंकि वो क्या कहते हैं, घर की दाल है, तो फिर शादी ही क्यों करें? आई मीन जिंदगी भर किसी के साथ रहे क्यों? क्यों? आई मीन एक रिश्ता बस आदत बनकर रह जाए तो फिर दोनों के लिए अनफेयर। बेटे आदत तो बढ़ ही जाती है, नहीं रहता कि उसने क्या कपड़े पहने, बाल बनाए भी नहीं या नहीं, खाना खा लिया होगा उसमें पूछना क्या। लेकिन सुबह से बदन में हरारत है उसकी, ये सुनकर आज भी मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ जाते हैं। हाथ थामे रखने की अगर आदत ना होती तो हाथ छूट जाने का डर भी तो ना होता। Thank you.
नहीं वो एक मिनट एक मिनट क्यों साले स्कोर क्या हुआ जी जी प्लीज अच्छा अच्छा ठीक है लौटोगे तो खबर लूंगा ही मैं बट सीरियसली गाइस यू आर हैविंग फन ना जी वी आर हैविंग लॉट्स ऑफ फन बहुत मजा कर रहे हैं यहाँ हम बहुत खुश हैं बस करो स्कोर, बस स्कोर। करो जल्दी से आ जाओ आप really missing you आज आखिरी दिन तो है दी really? हम कल निकल रहे हैं यहाँ से hey, see you soon I'll see you tomorrow bye चाहता है कि हम ये आखिरी शाम आप लोगों के साथ बिताएं, लेकिन हमारी नियत आज डिनर पर बाहर जाने की। गो फॉर इट मैन।
like it. Yeah, it's been really nice. Eight minutes. Learned it from me, you know. Yeah, right. What have you ever given me a flag? I love you. Hey, you two lovebirds. What's going on? Yay. Ritika, is everything okay? No, I mean, is everything okay between you and Abhay? Yes, Sara. You know, aaj tumhare kamre mein, I saw that tumhare beds alag the. And now tum yahan aise sad aur chup-chap baithi ho. I'll go talk to Abhay. No, Sara, please. Ritika, if you don't mind me telling you, do logo ke beech mein distance bahut easily ban jati hai, but then to later remove that distance becomes so difficult. Abhay aur tumhare beech mein ye distance mat aane dena. Just be close to him in every way that you can. Abhay, you have to try the safety. My God, love you. अरे खाओ बेटा खाओ, यही तो बड़े खाने के अभी खटास होती है. आपको रिचकी आती है. बदलते वक्त के साथ साथ खुद को भी बदलना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है. ट्राई तो करना चाहिए. क्यों आपकी मैडम का फोन है. उन्होंने कहा आपका फोन लगने रहा है. मैंने दो बार नाम पूछा, उन्होंने दो बार कहा स्वाति सहल, मिसेस ऋषभ सहल. उसी वक्त तो वो कॉल. इट्स अमेजिंग ना, किसी को पता ही नहीं था वो दोनों शादीशुदा नहीं थे, और ऋषभ तो किसी और के साथ. और हम सब हमेशा उन दोनों को सबसे परफेक्ट कपल समझते रहे. गेस इट्स ट्रू, जो नजर आता है वो हमेशा सच नहीं होता. जैसे कि आज सबके सामने in front of everybody. Please Anu, for God's sake, calm down. देखो मैं मानता हूँ कि उस वक्त स्वाति का फोन आना बहुत awkward था. और यहाँ का नंबर तुमने ही दिया था, right? For emergencies. But I didn't think she'd call me. Oh Rishab, please. अब झूठ बोलना बंद करो. काफी कहानियाँ सुन चुकी हूँ मैं. Please Anu, don't do this. Please. अब तुम इस वक्त रात को. देखो, Anu, देखो मेरी बात मानो. कल सुबह जहाँ जाना है चली जाना. जब अकल आती है ना तब टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए, उसी वक्त डिसीजन लेना चाहिए. आई हैव मेड अप माय माइंड. जिंदगी में पहली बार आई नो कि मुझे क्या चाहिए, और मुझे ये झूठा रिश्ता नहीं चाहिए. अब ये बेइज्जती लगने लगी है. चाहे तुम्हारी बीवी होने का ड्रामा करना हो या चाहे तुम्हारी बीवी के लिए शॉपिंग करना हो, अब टायर्ड निशा, अब फेड अप. ये लो, ये कुर्ता जो खरीदवाया था तुमने, ये एक साइज बड़ा बड़ा है.
वो बस आपको मेन टाउन तक ले जाएगी एंड आई होप ताज लॉज में दोबारा आपका स्वागत करने का मौका हमें जरूर मिलेगा। थैंक यू। टिकट्स टेबल पे रखे थे तुमने, रख लिए ना? Do you have any outstanding bills? No sir, your bills are good. Hi. Hello. Photos. 500 rupees each. 500 rupees. मैंने कहा था ना, मैं आपको मायूस नहीं होने दूंगा। They're very nice. Thank you. शुक्रिया। और आपकी तस्वीरें बहुत ही अच्छी आई हैं। कहीं आप पिछली बार इनकार कर देते ना तो बड़ी सी आती होती। बाय बाय। थैंक यू। बिल्कुल स्विट्जरलैंड लग रहा है ना? जैसा फिल्मों में दिखता है। हनीमून लग रहा है ना? वेरी गुड। अच्छा चलो जरा जल्दी करो। फोटो तो देखने दो। अबे हम सब बाहर हैं। या ओके या अनु दिख नहीं रही। She's gone यार। What? Yeah, शायद इस बार हमेशा के लिए। I guess it's for the best, you know. इस रिश्ते का फ्यूचर तो। That's just it. हमने फ्यूचर, हकीकत, ये सब चीजें नाप तोल के प्लान करके तो प्यार नहीं किया था। लव जस्ट हैपेंस यू नो, बस हो गया, जस्ट लाइक दैट। आई नो व्हाट यू मीन एंड डोंट माइंड मी सेइंग सो, बट अनु एंड यू वर ऑलरेडी इन अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। या देयर वाज नथिंग सिंपल अबाउट इट, बट यू नो देयर वाज नथिंग एल्स लाइक इट। मैं भी हमारे रिश्ते में झूठ बहुत थे, बोलने पड़ते थे, जीने पड़ते थे, लेकिन मैंने अनु से सिर्फ सच्चाई से प्यार किया है। It'll be okay, man. चल। आगे वाली सीट ले लो, थोड़ा उतरने में आसानी हो जाएगी। अरे शोएब बेटा, यहाँ आ जाओ, मेरे पास बैठो। आओ बैठो। अंकल वो आंटी नहीं बैठेंगे आपके साथ? अरे नहीं बैठना है स्पोसर के साथ। सुबह एक एक्स्ट्रा प्याली चाय की मांगी, दिमाग खा गई, लेकिन चाय नहीं दी। और ये भी बता दो क्यों नहीं दी? क्यों आंटी, क्यों नहीं दी चाय आपने उनको? फिर रास्ते में बस रुकवाएंगे। चलो भाई आओ बैठे, आओ बैठे। It's okay. सब ठीक होगा। Yeah, I hope so. Really? Thank you.
एक आधा बिस्किट मुझे भी दो। जितनी बदपरहेजी तुमने की है ना इन 5 दिनों में, घर जाओगे तो पता चलेगा। उसको सुबह चाय नहीं दिया, बिस्किट भी नहीं दोगी? क्या हुआ? You're looking lost. Is everything okay with you? हाँ हाँ, बस ऑफिस के बारे में सोच रहा था। हॉलीडे जो खत्म हो रही है। ये बोल, हनीमून खत्म हो रहा है। I know. But relax. इसका ये मतलब नहीं है कि रोमांस खत्म हो रहा है। Remember that, okay? बस के सामने की तरफ जाओ, एवरीवन, एंड वेरी वेरी स्लोली, आगे का वजन बढ़ाना है। एके, यू एंड शोएब, तुम दोनों लेडीज को लेकर आगे की तरफ जाओ, आराम से। हाँ सामने की तरफ शिफ्ट करो। लगेज तो ऊपर पड़ा हुआ है। अरे तो ऊपर चढ़कर आगे की तरफ शिफ्ट करना है बेवकूफ। एक मिनट, जितना सामान हो सके बस के सामने की तरफ शिफ्ट करो। सामने की तरफ का वजन बढ़ना चाहिए, ओके? उन दोनों को कहो ऊपर ही रहे और तुम सब धीरे धीरे करके नीचे उतर जाओ, वन बाय वन। बट व्हाट अबाउट यू गाइस? हम आंटी और अंकल को उतार कर उतरेंगे। नाउ गो। ऊपर
अगर अचानक वजन बदला तो प्रॉब्लम हो सकती है। प्लीज यू श्योर? उतर जाइए, कम ऑन, चलिए अंकल प्लीज कम ऑन। अरे ऐसे कैसे उतर जाऊं बुढ़िया को छोड़कर, मेरी जान अटकी हुई है इसके साथ, तुम उतर जाते क्या रितिका को छोड़कर? शोभा, शोभा डरो मत, देखो मैं उतर रहा हूं ना तुम्हारे साथ, मेरा डरो मत शोभा, शोभा देख रहा है, लेकिन सच्चे दिल से चाहती हूं, शाबाश।
लोग नीचे आ जाए। हाँ हाँ हाँ, आ जाओ भाई, आ जाओ, देखो संभाल के आराम से, आप भी आ जाओ। अरे खुद मत, जरूरत होगी तो काम करेगा। प्रभु की दया हो गई बहुत। तो चलो यहीं रुकते हैं, और क्या कर सकते, अटक गए। क्या हुआ? लॉज वापस चले, हमारा हनीमून तो अब शुरू हुआ है ना। पक्की बात? वही निभानी पड़ेगी बाबू अपनी बियत
आंख ने सींचा दिल में बोया दिल की जैसी बढ़ती है धूप है धीरे चढ़ती है ओ शादी भी पक जाएगी यारो चाह कहीं दिल लटकी है जहाँ फंसी सांसद की है तो पाटन की चक्की है जीवन मरण तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है मरण तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है क्या फंसी सांसद की है तो बादल की चक्की है जीवन मरण तो लगा रहेगा बात हमारी पक्की है No matter what comes, we'll be doing it right No matter what comes, we'll be doing it right